सामिल हल निकी चंद्रबाबू नायडुए पहरा ना विधानसभार मजियत पत्नीक अपमान चंद्रबाबू नायडुए पहरा ना दुमाहर जेल और यार एन डी एर सहित जीत मुसलमान संरक्षण केंबाटाओ मोदी सरकार विरोधी नीति लिसे गए प्रतिशोध लबले मोदी सरकार एन डी एर सहित सामिल हल निकी नायडू आम लिश सविशेष तथ्य समग्र राजनैतिक महल सन्दर्भ सृष्टि प्रतिक्रियार सरकार गठन कर विपदे लग्ने मोदी और यार चंद्रबाबू नायडू विपद निकी मोदी प्रश्न उत्थन से पांच बस अनाकांक्षित विपद सम्मुखीन हम मोदी सरकार इटर पास आन दुक नतुन विपद आई किंग मेकार विपरीत नीतिये विपद पेल पे एन डी एशेषको चंद्रबाबू नायडू प्रतिशोध लबले उभति निकी प्रश्न उत्थन एकांश राजनीतिविद दबी प्रतिशोध पूरण मोदी का नायडू दुमाह जेल पत्न अपमान पुतक तुल एन डी एरे सामिल हल निकी चंद्रबाबू नायडुए पहरा ना दुमाह जेल पत्न अपमान यह सन्दर्भ सविशेष तथ्य सा तृतीय बारर बारे देशों प्रधानमंत्री हम गई आज नरेन्द्र मोदी ऊनस पिछत प्रथम बारर बारे क्या नेता तृतीय बारर बारे देशों प्रधानमंत्री हम गई आज बीजेपी बाबे या भाल खबर किंतु यार लगे लगे बीजेपी चिंतित प्रश्न नरेन्द्र मोदी नेतृत्व गठन हबलगिया यह सरकार पांच बस अतिक्रम कर हठात यह प्रश्न यह हृदय से यार बीजेपी एकक संख्यागरिष्ठ दल रूपे परिगणित होबा ना आप की बार चार्च पार स्लोगान निर्वाचन युद्ध अवतीर्ण हुआ बीजेपी यार प्रयोजन 272 आसन दखल अवश्य बीजेपी मित्र दल सहित मिली एन डी एर नेतृत्व सरकार गठन सक्षम हो बुधवार नतुन दिल्ली अनुषित एन डी एर बैठक मन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बहिसे चंद्रबाबू नायडू चंद्रबाबू नायडू तेलेगु देशों में मुठ 15 आसन दखल सक्षम चंद्रबाबू नायडूर का नीतीश कुमार बिहार नीतीश कुमार जे डी ए 12 आसन दखल सक्षम और नीतीश कुमार का महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे नेतृत्वाधीन शिवसेना 7 आसन दखल सक्षम आसल बीजेपी अंशीदार दल भर एक क्या दल आत शक्तिशाली एतिया एन डी एर अंशीदार दल विदंग तथ्य भलको जानि बीजेपी 240 टीडीपी 16 जेडीयू 12 शिवसेना 7 एलजेपी 5 आरएलडी 2 जेसीपी 2 जेडीएस 2 एनसीपी 1 अपना दल 1 एजेपी 1 यूपीपीएल 1 आरसू 1 हम 1 मुठ 292 एन डी ए सरकार गठन 272 आसन प्रयोजन कितना प्रयोजन आसन गई 20 आसन बेसि एन डी एर एने अवस्था प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व एन डी ए सरकार गठन कर निश्चित कितु यार लगे लगे बहुबूर प्रश्न सम्मुख आई पूर्व दूटा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निज इच्छा अनुसार जनेक सिद्धांत लो पारिछिल एबार तेनेक सिद्धांत लो पारिब प्रथम बारर बारे बीजेपी एकक संख्यागरिष्ठता पा निज इच्छा अनुसार इतना सिद्धांत लो पारिबने मोदी एबार मोदी घने घने आलोचना लगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडूर सहित बीजेपी इच्छा कर कठिन सिद्धांत ग्रहण कर यार बीजेपी केनेक विपद तथ्य भलको जानि 2014 बीजेपी आसन संख्या आज 282 प्रयोजन संख्यतको 10 बेसि 2019 बीजेपी अकले संख्या आज 303 प्रयोजन संख्यतको 31 बेसि 2024 बीजेपी संख्या 240 प्रयोजन संख्यतको 32 कम लगे लगे प्रश्न चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार विपद निकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आप चक्कर में पड़े हैं आप लोग अभी तो 12 घंटे नहीं हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं भाई इंतजार करिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता केसी त्यागी जी उस दल के हैं लेकिन मैं नीतीश जी के राजनीति से वाकिफ हूँ चंद्रबाबू जी की राजनीति से वाकिफ हूँ वो व्यक्ति केंद्रित विमर्श आत्ममुग्ध नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे
या उसके साथ सहज नहीं होंगे। अब आप मेरी बात का जो मतलब निकाल सकें निकाल लें। চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰৰ মুছলমান সংক্ৰান্তত পৃথক ধাৰণা আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য ৰাখি আহিছিল, কিন্তু চন্দ্ৰবাবু নাইডু অথবা নীতিশ কুমাৰে মুছলমানৰ সংৰক্ষণৰ পোষকতা কৰে। আই এম টেলিং ইউ ওৱান থিং, উই হেভ গিভেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ ফৰ এছচিছ এছটিছ এণ্ড চাৰ্টেন ছেকশ্যনছ অভাৰ ডিকেডছ, ছেভেন ডিকেডছ। Are they better off today? Is it not your responsibility to do something else, something more? That is where you have to think. Okay. So you are saying that something radical needs to be done. Then only empowerment will take place. Okay. For all sections. And reservation is not the only thing that needs to that be done. That is need of the hour. Okay. You cannot ignore that. But you are listening. That alone cannot solve the problem. মোদীৰ নেতৃত্বত এইখন চৰকাৰে পাঁচ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিবনে? নীতিশ কুমাৰ অথবা নাইডুৰ সমৰ্থন সদায় থাকিবনে? এই প্ৰশ্ন এতিয়া বহুতেই কৰিব বিচাৰিছে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দলসমূহে দাবী কৰে এইখন চৰকাৰ পাঁচ বছৰ থাকিব নোৱাৰে। মেনে কল ভি কাহ দেখতে ৰহিয়ে আগে আগে কিয়া হতা হে, আগে বহুত কুছ হোনে ৱালা হে। মই তো য়ে নহীঁ কহুঙ্গা কি পিকচাৰ অভি বাকী হে, मैं ये कहूंगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। लगे लगे प्रश्न हुए मंत्रिसभा गठनर पूर्वे नीतीश कुमार अथवा চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে प्रधानमंत्री मोदी अधिक हेसा प्रयोग करेलोर हेसा विपद पड़े निकी मोदी नेतृत्वाधीन बीजेपी जे डी यूए मंत्रिसभा कई आसन विचार मंत्रिसभा कौनक दफ्तर विचार जे डी यूए চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ तेलेगु देशमक कि लगे मोदी घने घने हेसा प्रयोग नकरिब। मंत्रालय का डिस्कशन यह होता है, मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। पहले कुछ बात हो रही होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात हो? अच्छा मीटिंग में क्या क्या मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठक कब हो रहा था, चाय पानी हो रहा था? संसदीय दल की बैठक ललन जी संसदीय दल की बैठक कब होगी? जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। सर ये बताइए कि कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा ये असमानता दूर नहीं होगी। जेडीयू दुजन नेता लालन सिंह और केसी त्यागे एने धरणर वक्तव्य आगे কিন্তু ইন্ডিয়া এলায়েন্সে বারে বারে কৈছে জে ডি ইউ বেশি দিন না থাকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সুতে নীতিশ কুমার মোদীর সুতে থাকিব নোৱাৰে। এনডিএ কে সাথ হ্যাঁ, পুরি মজবুতি কে সাথ হ্যাঁ, আর পুরি মজবুতি কে সাথ एनडीए के साथ रहेंगे। भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी? निर्वाचन बतर जे डी यूर आसिल पृथक घोषणा, सरकार गठन करिले অগ্নিবীৰ আঁচনি প্ৰত্যাহাৰ কথা ঘোষণা, বিজেপিয়ে বিচাৰে অব্যাহত থাকক অগ্নিবীৰ আঁচনি, মোদী চৰকাৰে এতিয়া কি সিদ্ধান্ত ল'ব? অগ্নিবীৰ যোজনা কো লেকৰ কে মতদাতাওঁ কে হিচ্চে মে নাৰাজগী ৰহি হে। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। बीजेपी बारे बारे कैसी यूसीसी बलबत बात हम समग्र देश उमहतिया आईन आनब बीजेपी जे डी यू इक समर्थन जलामने सिविल कोर्ट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं, हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो या डिफरेंट सेक्ट्स हो, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। सर जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है, बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। पुनर कुछ प्रधानमंत्री मोदी एक बार विपद पड़े, মোদীয়ে যেতিয়াই শাসন কৰিছিল বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিচাপে আছিল। প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব লওয়ার পূর্বে মোদী আছিল গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, সেই সময়ত গুজরাটত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি, সেই তথ্যও আপনি ভালকৈ জানি লওক।
2001 প্রয়োজনীয় 117 খন আসনের বিপরীতে বিজেপিয়ে পাইছিল 182 খন 2002 117 খনের বিপরীতে পাইছিল 182 খন 2007 117 খনের বিপরীতে পাইছিল 182 খন 2012 115 খনের বিপরীতে পাইছিল 182 খন এইখানে কমেটি মিত্রদলে দাবি করছে তেওঁলোক থাকিব প্রধানমন্ত্রী মোদীর লগতে এক স্বর মে। देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं। हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को देश का एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से मैं जानता हूं तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ही जाता है। और कल एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है। और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण पिछत सको कथा स्पष्ट हम जे डी यू अथवा तेलुगु देशम मंत्रिसभा कौनबूर दफ्तर दिए सै लक्षण हम वास्तव सत्य तो हल यह दल दूटार मंत्रिसभा सदस्य यार जो गुरुत्वपूर्ण दफ्तर पा सी कथा निश्चित। Bureau Report, NB News. তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হবলৈ গৈ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। 1962 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো এজন নেতা তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হবলৈ গৈ আছে। বিজেপিৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে বিজেপি চিন্তিত হৈছে। প্রশ্ন হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত গঠন হবলগীয়া এই চৰকাৰে 5টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিবনে? হঠাৎ এই প্রশ্ন এইভাবেই উদয় হৈছে যে এইবার বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে পরিগণিত হব পৰা নাই। আব কি বার চারশো পার স্লোগানরে নির্বাচনী যুদ্ধত অবতীর্ণ হওয়া বিজেপিয়ে এবার প্রয়োজনীয় 272খন আসন দখল করব নোৱাৰিলে। অবশ্যে বিজেপিয়ে মিত্র দলের সঙ্গে মিলি এনডিএর নেতৃত্ব সরকার গঠন করবলে সক্ষম হল। বুধবারে নতুন দিল্লিত অনুষ্ঠিত এনডিএর এই বৈঠকখনলৈ মন কৰক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাষত বহিছে চন্দ্রবাবু নাইডু। চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশমে মুঠ 15খন আসন দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। চন্দ্রবাবু নাইডুর কাষত আছে নীতিশ কুমার। বিহারের নীতিশ কুমারের জেডিইউয়ে 12খন আসন দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। আর নীতিশ কুমারের কাষত আছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে। একনাথ শিন্দের নেতৃত্বাধীন শিবসেনায় 7খন আসন দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। আসল বিজেপির অংশীদার দলের ভিতর এই কেটা দলে আটাইতক শক্তিশালী। এতিয়া এনডিএর অংশীদার দলের বিতং তথ্য ভালক জানি ল। বিজেপি 240, টিডিপি 16, জেডিইউ 12, শিবসেনা 7, এলজেপি 5, আরএলডি 2, জেসিপি 2, জেডিএস 2, এনসিপি 1, আপনা দল 1, এজেপি 1, ইউপিপিএল 1, আটসু 1, হাম 1, মুঠ 292। এনডিএ সরকার গঠন করবলে 272খন আসনের প্রয়োজন, কিন্তু প্রয়োজনীয় আসনতক 20খন আসন বেশি আছে এনডিএর লগত। এনে অবস্থা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বত এনডিএ সরকার গঠন করা নিশ্চিত হয়েছে, কিন্তু ইয়ার লগে লগে বহুবোৰ প্রশ্ন সম্মুখলে আহিছে। পূর্বর দুটা কার্যকালত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে নিজ ইচ্ছা অনুসরি যেনেকৈ সিদ্ধান্ত লব পাৰিছিল এইবার তেনেকৈ সিদ্ধান্ত লব পাৰিব? প্রথমবারের বাবে বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পালে, নিজ ইচ্ছা অনুসরি এটা সিদ্ধান্ত লব পাৰিবনে মোদীয়ে? এইবার মোদীয়ে ঘনে ঘনে আলোচনা করব নীতিশ কুমার আর চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে। বিজেপিয়ে ইচ্ছা করলেই কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব নয়। এইবার বিজেপি কেনেকৈ বিপদত পৰিছে সেই তথ্য ভালকৈ জানিব। 2014
বিজেপির আসনের সংখ্যা আছিল 282, প্রয়োজনীয় সংখ্যাতক 10 বেশি। 2019 বিজেপির অকলেই সংখ্যা আছিল 303, প্রয়োজনীয় সংখ্যাতক 31 বেশি। 2024 বিজেপির সংখ্যা 240, প্রয়োজনীয় সংখ্যাতক 32 কম। লগে লগে প্রশ্ন হয়েছে চন্দ্রবাবু নাইডু আর নীতিশ কুমারের বাবে বিপদত পড়ব নাকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? कहाँ चक्कर में पड़े हैं आप लोग? अभी तो 12 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे नहीं हुए हैं भाई, इंतजार करिए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, केसी त्यागी जी उस दल के हैं, लेकिन मैं नीतीश जी के राजनीति से वाकिफ हूँ, चंद्रबाबू जी की राजनीति से वाकिफ हूँ। वो व्यक्ति केंद्रित विमर्श, आत्ममुग्ध नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं होंगे। अब आप मेरी बात का जो मतलब निकाल सकें निकाल लें। চন্দ্রবাবু নাইডু আর নীতিশ কুমারও মুসলমান সংক্রান্ত পৃথক ধারণা আছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব বিজেপিয়ে বারে বারে মুসলমানের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখি আইছিল, কিন্তু চন্দ্রবাবু নাইডু অথবা নীতিশ কুমারে মুসলমানের সংরক্ষণের পোষকতা করে। আই এম টেলিং ইউ ওয়ান থিং, উই হ্যাভ গিভেন রিজার্ভেশনস ফর এসসিস এসটিস অন সার্টেন সেকশনস ওভার ডিকেডস, সেভেন ডিকেডস। Are they better off today? Is it not your responsibility to do something else, something more? That is where you have to think. Okay. So you're saying that something radical needs to be done. Then only empowerment will take place. Okay. For all sections. And reservation is not the only thing that needs to that be done. That is need of the hour. Okay. You cannot ignore that. But you are listening. That alone cannot solve the problem. মোদীর নেতৃত্বত এইখন সরকারে 5 বছর সম্পূর্ণ করব পারিবনে? নীতিশ কুমার অথবা নাইডুর সমর্থন সদায় থাকিবনে? এই প্রশ্ন এটা বহুতেই করব বিচাৰিছে। ইন্ডিয়া এলায়েন্সের অংশীদার দলসমূহে দাবি করে এইখন সরকার 5 বছর থাকিব নোৱাৰে। মানে কল ভি কাহ দেখতে রইয়ে আগে আগে ক্যা হতা হে, আগে বহুত কুছ হোনে ওয়ালা হে। মই তো এ নাই কহুঙ্গা কি পিকচার আবি বাকি হে, मैं ये कहूंगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। लगे लगे प्रश्न हुई मंत्रिसभा गठनर पूर्वे नीतीश कुमार अथवा চন্দ্রবাবু নাইডুৱে প্রধানমন্ত্রী মোদীক অধিক হেঁচা প্রয়োগ করবর হেঁচা বিপদ পড়ব নাকি মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি? জেডিইউয়ে মন্ত্রিসভাত কেইখন আসন বিচারিব, মন্ত্রিসভার কোনকেইটা দপ্তর বিচারিব জেডিইউয়ে? চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশমক কি লাগবে? मोदी घने घने ऐसा प्रयोग नकुरी बोले। मंत्रालय का डिस्कशन यहाँ होता है, क्या बात? मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वैसे बोला नहीं चाहिए पहले, तो आप बात लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी? मीटिंग में क्या क्या मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठक कब हो रहा था, चाय पानी हो रहा था? संसदीय दल की बैठक, लवन जी संसदीय दल की बैठक कब होगी? जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। सर ये बताइए कि कुछ मांग, कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा ये असमानता दूर नहीं होगी। जेडीयू दुजन नेता लालन सिंह और केसी त्यागे एने धरणर वक्तव्य आगे, किन्तु इंडिया एलायंस बारे बारे कैसे जेडीयू बेसिदिन नाथके प्रधानमंत्री मोदीर सहित नीतीश कुमार मोदीर सहित थाकिब नोवारे। एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। पहले भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी? निर्वाचन बतर जेडीयू आज पृथक घोषणा, सरकार गठन कर अग्निवीर आँचनी प्रत्याहर कथा घोषणा, বিজেপিয়ে বিচাৰে অব্যাহত থাকক অগ্নিবীর আঁচনি, মোদী সরকারে এতিয়া কি সিদ্ধান্ত লব? অগ্নিবীর যোজনা কো লেকর কে মতদাতাওঁ কে হিসে মে নারাজগি রহি হে। হ্যাঁ, हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। বিজেপিয়ে बारे बारे কৈছিল ইউসিসি বলবৎ হব, সমগ্র দেশত উমৈহতে আইন আনিব বিজেপিয়ে, জেডিইউ ইয়াক সমর্থন জনাবলে? सिविल कोर्ट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष
श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं, हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो, या डिफरेंट सेक्ट्स हो, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। सर, जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है, बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करें। पुनर कोई प्रधानमंत्री मोदी एक बार विपद पड़ মোদিয়ে যেতিয়ে শাসন কৰিছিল বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আছিল। প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব লওয়ার পূর্বে মোদী আছিল গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় গুজরাটত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি। সেই তথ্য আপনি ভালকৈ জানি লোক। 2001 প্রয়োজনীয় 117 আসনের বিপরীতে বিজেপিয়ে পাইছিল 182। 2002 117 বিপরীতে পাইছিল 182। 2007 117 বিপরীতে পাইছিল 182। 2012 115 বিপরীতে পাইছিল 182। এইখিনি সময়তে মিত্রদলে দাবি করেছে তেওঁলোক থাকিব প্রধানমন্ত্রী মোদীর লগতে। এক স্বর মে দেখি ইয়ে বাত সত্য হে ইস বাত কো কোই নি নকার সকতা কি এনডিএ কি ইয়ে জিত প্রধানমন্ত্রী জি কে নেতৃত্ব কি হি জিত হে উনকি ওয়াজা সে হি এনডিএ কো ইতনা প্রচন্ড বহুমত মিলা হে। हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं। हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को देश का एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से मैं जानता हूं तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को, किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ही जाता है। और कल एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण पिछक सको कथा स्पष्ट हो जे डी यू अथवा तेलुगु देशम मंत्रिसभा कौनबूर दफ्तर दिए सै लक्षण हम वास्तव सत्य तो हल यह दल दूटार मंत्रिसभा सदस्य यार जो गुरुत्वपूर्ण दफ्तर पा सी कथा निश्चित। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज़।